बिहार के आरा में इंस्टाग्राम पर भोजपुरी गाने की धुन पर हथियार से फायरिंग कर रील्स बनाने वाले तीन लड़कों के ऊपर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जहां इंस्टाग्राम पर उनका हथियार से फायरिंग करते हुए रील्स का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया और वह पुलिस के हाथों लग गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए रील्स बनाने में शामिल दो नाबालिग लड़कों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने दो देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल यह पूरा मामला उदवंत नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसका खुलासा भोजपुर एसपी मिस्टर राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भोजपुर एसपी मिस्टर राज ने बताया कि उदवंत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो मिला, जिसमें कुछ लड़के हथियार से फायरिंग करते हुए नजर आए। इस वीडियो को तत्काल गंभीरता से लेते हुए सदर एएसपी परशु कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां इस टीम में उदवंत नगर थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया, जिसके बाद टीम ने वायरल वीडियो में दिख रहे एक नाबालिग लड़के को पकड़ा और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने दो साथ वीडियो बनाने में साथ देने वाले दो अन्य लोगों का नाम बताया, जिसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नाबालिग वीडियो बना रहा था और उसके साथ दूसरा वीडियो बनाने में मदद कर रहा था, जबकि रील्स बनाने में हथियार और गोली को उपलब्ध कराने वाला शख्स दूसरा था, जिसके निशानदेही पर पुलिस टीम ने इस मामले में हथियार उपलब्ध कराने वाले उदवंत नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी नीमा गांव निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही वीडियो बनाने में सहयोग करने वाले दूसरे नाबालिग को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर दो देसी कट्टा और चार गोली बरामद किया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से जब पवन कुमार से पूछताछ की तो उसने बताया कि जब्त किए गए दोनों देसी कट्टा में से एक देसी कट्टा और गोली का उपयोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के लिए उन दोनों नाबालिग लड़कों को उसने दिया था, जिसको उन दोनों लड़के ने वीडियो बनाने में हथियार और गोली का इस्तेमाल किया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस पकड़े गए दोनों नाबालिग सहित तीनों लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया में लगी हुई थी। आज का पीसी तीन महत्वपूर्ण मामले संबंधित है। पहला मामला उदवंत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पे पुलिस को एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे एक वीडियो प्राप्त हुआ, जहां पर कुछ बालक फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं कट्टा से। इस संबंध में तत्काल गंभीरता को देखते हुए एसपी सदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई। इस टीम ने जो कि इसमें थानाध्यक्ष उदवंत नगर और इनके पूरे ऑफिसर्स इसमें लगे हुए थे, इसमें इन्होंने एक अपराधी पवन कुमार पिता धनंजय सिंह जो कि पूर्वी नीमा का रहने वाला है थाना उदवंत नगर, इसके पास से जो प्रयोग किया गया है वीडियो में वो दो देसी कट्टा को बरामद किया गया है और कारतूस बरामद किए गए हैं तथा दो बालक को भी जो कि 18 साल से कम है उनको जो है विधि निरुद्ध किया गया है और दोनों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। इन तीनों का आपराधिक इतिहास अभी हम लोग खंगाल रहे हैं और इनके क्या क्या ये तीनों अपराधी किस किस कांड में संलिप्त रहे हैं उसमें गहन पूछताछ की जा रही है और जैसे नए तथ्य आएंगे उसमें फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा।